DNS बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे DNS बैंक। जैसे आप इतना सर्च करेंगे इसके बाद आपके सामने DNS बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो अब आपको DNS बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर बताया गया कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से यह बैंक भारत में सेवाएँ दे रहा है और यह एक सहकारी बैंक है। दोस्तों यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3-डॉट मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 3-डॉट मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बताइए कि आप DNS बैंक में कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, सोसाइटी, हब, क्लब, स्कूल्स, तो कोई भी अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकता है। और यहाँ पे बताया कि अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पे नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। बेनिफिट्स बताए गए हैं। यहाँ पे बताइए कि आप 25,000 रुपये पर डे लिमिट यहाँ पे देखने को मिलती है। ATM की सहायता से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं 25,000 रुपये तक। यहाँ पे चेकबुक की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। NEFT, RTG, ECS की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अकाउंट में आप 500 रुपये से या फिर 1,000 रुपये से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट दो तरह के हैं, एक में आपको चेकबुक लेने की आवश्यकता होती है और एक विदाउट चेकबुक के होता है अकाउंट ओपन। यदि आप विदाउट चेकबुक के अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसे में आप 500 रुपये मेंटेन करने होंगे, और यदि आप चेकबुक के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसे में आपको 1,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। तो ये तो गाइज मैंने आपको इस अकाउंट के बारे में जानकारी दी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको बताता हूँ सेविंग अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है DNS बैंक में। तो अकाउंट का ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सीधा यहीं पे आएंगे फर्स्ट वाले पेज पे, और यहीं पे आपको गाइज अप्लाई नाउ करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो मेरा नाम साहिल है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जेंडर से मेल या फीमेल एंटर कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको टेलीफोन नंबर यदि है तो डाल लेंगे। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट आईडी प्रूफ से आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट आईडी है, आईडी कार्ड है, और पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे आप आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे इसके बाद आईडी प्रूफ नंबर यानी कि आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से आप सिंगल या फिर मैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमें अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे हम डिपॉजिट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे अकाउंट हैं कि भाई कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो गाइस अभी हमें ये स्टार्टिंग वाले ही ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन से आप बिजनेस, स्टूडेंट या फिर सर्विस, जो भी काम करते तो वो चूज़ कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है, तो आप कौन से स्टेट में अभी बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। जिस भी स्टेट में अभी आप रहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। अपनी सिटी चूज़ कर लेंगे, जिस भी सिटी में अभी आप करंट में रहते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको नियरेस्ट ब्रांच चूज़ कर लेना है। जो भी आपके पास ब्रांच होगी तो वो ब्रांच आप गाइज यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो गाइज अभी हम अपने आसपास जो भी ब्रांच है, डेमो के लिए मैं कोई भी एक ब्रांच यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे रुकिए, चलिए मैंने ये कोई भी एक ब्रांच रैंडम चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है न्यू सेविंग अकाउंट ओपनिंग। जस्ट आप इतना सेलेक्ट करेंगे और गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको एक पास DNS बैंक के एग्जीक्यूटिव खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और अकाउंट ओपनिंग
करने के बारे में आपको प्रोसेस बताया जाएगा। अब आपको बस क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको अपने आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर की सहायता से आपको KYC कंप्लीट कर लेनी है। अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर आप KYC कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने अकाउंट की इजीली इस अकाउंट की KYC कर सकते हैं।